हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बच्चों की खास फेवरेट ओरियो आइसक्रीम घर पे बनाना सीखेंगे। इसके लिए सबसे पहले एक बाउल और बीटर ब्लेड्स को रेफ्रिजरेट कर लें। अब इस ठंडे बाउल में एक कप या लगभग 250 ml फ्रेश क्रीम लें। आधा कप कंडेंस्ड मिल्क ऐड कर लें। अब इसे 4 मिनट तक अच्छे से बीट कर लें। इसमें फ्लेवर के लिए एक टीस्पून वेनिला एसेंस ऐड करें। फिर इसे थिक कंसिस्टेंसी होने तक बीट कर लें। अब हमारा आइसक्रीम बेस तैयार है। इसमें हम ओरियो बिस्किट्स को क्रश करके डालेंगे। ध्यान रहे आप इन बिस्किट्स को सिर्फ कोर्स क्रश कर लें। अब इन क्रश्ड ओरियो बिस्किट्स को आइसक्रीम बेस में ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लें। अब इस मिक्सचर को फ्रीज करने के लिए एक कंटेनर में ट्रांसफर कर लें। इस कंटेनर को एयर टाइट सील कर लें ढकने से पहले, ताकि आइस क्रिस्टल्स न फॉर्म हो। इसको 8 से 12 घंटे या फिर ओवरनाइट रेफ्रिजरेट कर लें। लीजिए, आइसक्रीम अच्छे से जम गया है। इसे स्कूप आउट करने से पहले 1 से 2 मिनट बाहर रख लें, फिर स्कूप आउट करके सर्व कर लें। Thank you.
ये इतना टेस्टी बनेगा कि आप इसे बार बार बनाना चाहेंगे। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट भी करें। और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।